नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। आपके सामने जो मूर्ति है इस समय स्क्रीन पे, वो राजा सुहेल देव की है। जिन ये हम आए हुए हैं चित्तौरा नाम का जगह है ना, जगह का नाम चित्तौरा है, ये गांव है बहराइच जिले से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है ये जगह। 7 किलोमीटर दूर जगह है ये चित्तौरा नाम का गांव है। यहाँ पे सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव का एक स्मारक है, जिसकी जहाँ पे स्मारक पे एक मूर्ति है। मूर्ति ही क्या है, ये पूरा का पूरा एक मंदिर है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे दान पात्र है और पूजा पाठ के दूसरे सामान रखे हैं, जल रखा है, लोग आ रहे हैं, पैर वैर छू के जा रहे हैं राजा सुहेल देव के। और हम यहाँ पे आए हैं कि आपको दिखा सकें कि बहराइच के इस जिले में, बहराइच जिले में राजा सुहेल देव की राजनीति क्या है, राजा सुहेल देव का स्टेचर क्या है, उनको किस तरह से देखा जाता है, क्या है राजभरों की पॉलिटिक्स, क्या है राजभरों की राजनीति, क्या लंबे समय तक रही है, इतिहास क्या रहा है राजा सुहेल देव का, जिसके बारे में हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि राजनीति में और आसपास के समाज सामाजिक डिस्कोर्स में हम जानते रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन कुमार उर्फ दिलीप जी हैं। अर्जुन कुमार उर्फ दिलीप जी हैं महाराजा सुहेल देव सेवा समिति के सचिव भी हैं, और उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव सेवा समिति नाम का एक ट्रस्ट है, उसके सचिव भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं साहब। लेकिन हम इनसे कुल मिलाकर जानना चाह रहे हैं कि राजा सुहेल देव क्या है। पॉलिटिक्स पे बातें बाद में होंगी, राजनीति के बारे में बाद में होगी, लेकिन हम राजा सुहेल देव, उनकी लिगेसी, इस स्मारक जो कहा जाता है कि पूरे देश में प्रसिद्ध है ये स्मारक, उसके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। तो सर, ये शुरुआत से बताइए, जैसे अभी हम लोग बातचीत के शुरुआत में बात कर रहे थे, कि क्या है पूरी कहानी यहाँ की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, लोग आपस में बंट गए, तो उसका लाभ उठाकर जो बाहरी आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, उन्होंने भारत पर गिद्ध दृष्टि की। और वो मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात कर रहे हैं, आक्रमणकारी जैसे मुगल आक्रमणकारियों के, गजनबी मुगल नहीं थे, मुगल तो बाद में आए। हाँ, तो महमूद गजनवी करके आक्रमण किया उसने भारत पर, और सोमनाथ मंदिर लूटा। की बात है, किस साल की? ये 1000 के आसपास की, 926 के आसपास की घटनाएं हैं। तो 1024 में ये जो है क्या कहते हैं, मसूद घुसा भारत में। तो इस प्रकार करते करते जब महमूद गजनवी लूट कर ले गया इस भारत की अपार संपदा को, लूट कर ले गया, और तो उसका एक भांजा था मसूद, तो मसूद ने भी मामा से अपने कहा कि भाई हमको भी मिलना चाहिए हिस्सा। आपस में बंटवारे के लिए कुछ विवाद होने के बाद ये फिर भारत को लूटने के लिए सेना लेकर उधर से घुसा, और फिर मसूद गाजी नाम था, मसूद घुसा गाजी, इधर हाँ, तो सेनापति था, तो इसलिए सलार कहते हैं, सैयद सलार। अच्छा। सैयद होती जाति और सलार होता है सेनापति, तो ऐसे सलार सेनापति जो है वो था, और सैयद सलार करके ये गाजी की उपाधि बाद में मिली। तो मसूद नाम था इसका, मसूद। तो ये जब भारत में घुसा तो वहाँ छोटे छोटे राजाओं में विभक्त था हिंदुस्तान, तो लूटते छोटे छोटे राजाओं को पर कब्जा करना या लालच देके या शक्ति से कोई तरीके से उसको अपने में समाहित करता हुआ, फिर सेना बड़ी करता हुआ और बड़े फिर राजाओं को हराया, ऐसे कई राजाओं को हराता हुआ और कब्जा करता हुआ भारत राष्ट्र की संपत्ति पर, राज्यों पर, छोटे छोटे राजाओं पर, और फिर एक बहुत विशाल सेना लेकर, 12.5 लोग कहते हैं 12.5 लाख की सेना लेकर ये बहराइच की ओर बढ़ा, गाजी। और फिर बाराबंकी में, लखनऊ के पास जो बाराबंकी, लखनऊ के पास जो बाराबंकी है, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ेगा, 70-80 किलोमीटर पड़ेगा, तो वहाँ पर इसने डेरा डाला। तो वहाँ सप्तऋषि आश्रम था, सप्तऋषि आश्रम में डेरा डाला, और वहाँ से अपना अभियान, चतुर्मुखी अभियान की हम चारों ओर से कब्जे कब्जा करेंगे और इस राष्ट्र पर अब लुटेरा होने की नीति समाप्त कर इस पर शासन करने की नीयत इसकी प्रारंभ हो गई। और फिर इस प्रकार अपने अभियान को आगे बढ़ाता हुआ, जब आगे बढ़ा तो यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी का राज था और उनके भाई वगैरह युद्ध में गए इसको हटाने के लिए, इसको भगाने के लिए। हाँ। लेकिन वो हार गए, महाराज सुहेलदेव के भाई लोग गए, हार गए। अच्छा, ये कब की बात है, किस समय की? ये सन 1034 के आसपास की घटनाएं हैं। तो ये जब वो हार गए तो उन्होंने महाराज सुहेलदेव जी को कहा कि भाई अब आप अभियान चलाइए,
तो वो जैन धर्म स्वीकार कर चुके थे, इसलिए तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्मों का धर्मा का सूत्र लेकर चल रहे थे। तो उन्होंने कहा भी हमसे क्या मतलब। फिर लोगों ने उनको समझाया कि जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए महाराजा सुहेल देव जी ने कमर कसी और फिर वहाँ पर अभियान चलाया। और उनको उनके अंदर एक संगठन का गुण बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने आसपास के सारे राजाओं को इकट्ठा किया। ऐसे करते करते 21 राजाओं का एक संगठन बनाया और उसके बाद जो है वो मसूद को घेरा और बाराबंकी से युद्ध करना शुरू किया। और वहाँ से युद्ध करते करते उसकी विशाल सेना को नष्ट करते हुए समाप्त करते हुए बहराइच तक आ गए। बाराबंकी से युद्ध चलते चलते बहराइच आ गए। हाँ। अच्छा, तो वैसे तो मसूद ने बड़ी खराब रणनीति से, जैसे हमारे यहाँ रणनीति थी कि सुबह जो है दिन में युद्ध करते थे, शाम को सहन करते थे, आराम करते थे, युद्ध नहीं करते थे, ये नीतिगत उनकी विशेषता थी। लेकिन उसका उल्टा उन्होंने रात में ही युद्ध करके ऐसे पहले महाराजा सुहेलदेव की सेना जो है परास्त हुई, क्योंकि वो रात में आक्रमण करके सेना को मार देते थे। तो इसलिए अब उन्होंने फिर नीति बदली अपनी और रणनीति में बदलाव करके और इस प्रकार एक जोरदार तरीके से युद्ध किया और फिर उसकी सेना समाप्त करते करते बहराइच में आते आते बहुत कम सेना बची। उसके बड़े बड़े जो सेनापति थे वो मारे गए। उसका जो एक बहुत विशाल सेनापति था तो वो भी मारा गया। क्या नाम था, नाम याद आ रहा है? नाम तो 12,000 करके था, वो 12,000 मारा गया। वो उसका विशेष रिश्तेदार था। बहराइच में आ गए, लड़ाई होते होते फिर बहराइच में करते करते वो मार यहाँ जो है वो चित्तौड़ा की भूमि में आ गया। चित्तौड़ा माने इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे आ गया। तो जैसा कि मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि मिलाते मसूदी आईने मसूदी ऐसे सब में वर्णन है कि वो यहाँ पर चित्तौड़ा की भूमि पे, तो एक श्लोक उन्होंने लिखा है फारसी में जिसमें लिखा है निस दरिया कुटला। कुटला कहते हैं टेढ़ी, यानी टेढ़ी नदी के निकट। अच्छा, ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, झील दिखाई दे रही है, तो उसके करीब जो है वो निस दरियाए कुटला अहरे दरखते गुलचका बजरबे नेज सुकरे सलार शहीद। तो सुकरे सलार के बारे में, तो इस तरीके से यानी निस दरियाए कुटला जो टेढ़ी नदी के निकट और महुए के पेड़ के नीचे निस अहरे बजरबे नेज माने तीर के द्वारा वो मारे गए, शहीद हुए। तो इस तरीके से जब संबत सन 1034 में इसका सफाया हुआ। और तब यहाँ पे मारा, इसके यहीं पे स्मारक बना है क्या? किस वजह से स्मारक बना? स्मारक उस समय नहीं बना। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है वो उसका परिणाम ये रहा कि लगभग 250 साल किसी भी बाह्य आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हो सकी कि इस भारत देश पर आक्रमण कर सके। मसूद गाजी जो के मरने के बाद अच्छा। एक विशाल प्रभावकारी रहा खेल। तो किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर आक्रमण करे। उसके बाद फिरौन तुगलक जब यहाँ आता है और उसने भारत पर शासन किया तो यहाँ बहराइच वो आया। यहाँ कुछ लोगों ने बताया उसको कि भाई ऐसी ऐसी हुआ है घटना, ऐसी घटना हुआ है और यहाँ कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है कि जहाँ पैर रखा जा सके, और सारी जगह लाशों लाश का अंबार बिछा हुआ था। तो इस नाते यहाँ पर भूमि जो है वो कहीं पैर रखने योग्य नहीं है। और ये वहाँ पर जो बहराइच के निकट एक जहाँ पर ऐसे दरगाह बनी हुई है वहाँ सूर्य कुंड था। अच्छा। वहाँ ऋषि तपस्या करते थे। तो आजकल तो जो विदित है वो कि बालार्क ऋषि के नाम से वो, क्योंकि बालार्क मंदिर पे वो करते थे, नाम तो उनका नहीं फेमस है लेकिन बालार्क नामक स्थान पे वो तपस्या करते थे सूर्य कुंड पे। इस नाते उनको बालार्क ऋषि करके पुकारते हैं कि वहाँ पर वो एक यज्ञ करते थे जो बड़ा विशाल यज्ञ था, और उनकी तपस्या के द्वारा उस कुंड का जो है सूर्य कुंड का जल इस प्रकार का शोधित करते थे तपस्वी व्यक्ति जो है, कि वो जो है जल इतना शोधित हो जाता था कि पूरे दुनिया के जो कुष्ठ रोगी थे वो यहाँ पर इकट्ठा होते थे और उनको काया मिल जाती थी। अच्छा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाता था स्नान करने से। कुष्ठ रोग इसी कुंड में? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ दरगाह में था। दरगाह में? अच्छा, दरगाह है वहाँ, सूर्य कुंड था। दरगाह में सूर्य कुंड था? कुंड था, दरगाह तो बाद में बनाया। तो वहाँ सूर्य कुंड को पटा कर वो फिरोज तुगलक ने वहाँ पर दरगाह निर्माण कराया 250 साल बाद। अगर ये कहा जाए कि उसकी हड्डी भी तो नहीं मिली होगी 250 साल बाद, कोई ढूंढ सकता है किसी अकरी बकरी की जो भी मिला हो, जो भी जिसकी हड्डी उड्डी मिली हो उसको लेकर उन्होंने कमर बनाई और वहाँ सूर्यकुंड पाट दिया गया। इस भारतीय संस्कृति का जो है बहुत बड़ा क्षति हुई
कि वहाँ पर क्षति करके वो पा दिया गया, उस तपस्वी को जो शोधित जल था उसका विनाश किया गया और वहाँ पर जो है वो दरगाह बनाई गई। और उसके बाद जो है वहाँ जो मेला लगता था वर्षानुवर्ष ज्येष्ठ की मास में जो पहला रविवार होता है उसमें मेला लगता था, उसी में मेला आज भी उसी डेट पे लगता है और उसी परंपरा के हिसाब से लगता है। और पहले तो वहाँ पर जो है वो ऋषि मुनि और सब साधु संत जो डेट निकालते थे वहाँ पर जो है उस प्रकार तभी दरगाह पे मेला लगता तभी होता था और आज भी उसकी डेट पंडित ही निकालते हैं। अच्छा, दरगाह के मेले की डेट पंडित निकालते हैं और बसंत पंचमी के दिन ही निकालते हैं। अच्छा, बसंत पंचमी के शुभ दिन जो है उसकी डेट निकाली जाती है और उसका वहाँ पर मेला आज भी लगता है। और पहले साधु संत वहाँ रहते थे लेकिन आज वहाँ आती है 90% आबादी हिंदू की, क्योंकि पहले से आदिकाल से मेला हिंदुओं का चलता आ रहा है तो वो परंपरा वो आदत लोगों की पड़ी हुई है। फिर उसको चूंकि मेला का स्वरूप परिणित कर दिया गया इस नाते जो है वो आज का जो दिखाई देता है कि दरगाह बनाकर उस प्रकार का एक कल्चर जो विकसित किया गया वो दिखाई देता है। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है दरगाह का कल्चर विकसित हुआ लेकिन हम कुछ लोग ये बता रहे थे कि दरगाह पहले नहीं, पहले दरगाह पहले से थी, सुरखंड की कहानी झूठी है, कुछ लोग ये भी बताते तो हैं। ऐसा उनसे पूछिए कि पहले यहाँ पर क्या मसूद था 1000 साल पहले जो वो आया उसके पहले कौन था यहाँ पे, वो तो उनको इतिहास की या किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। पहले कैसे हो सकता है जब यहाँ पर राजा सुहेलदेव का राज था, यहाँ वो सब थे ही नहीं, वो तो आया मसूद महमूद गजनवी के बाद, तो उसको पहले से कैसे हो सकता है। और उसके पहले से आदिकाल से जो कहानी चली आ रही है कि वहाँ सूर्यकुंड था और हिंदू मेला लगता था, आज ये गवाही है कि हिंदू समाज के साथ आता था कि नहीं आता था। अच्छा जी, एक चीज़ बताइए, अब हम लोग यहाँ पे इस पे इस पंचवटी की बात कर रहे थे, इस स्मारक की बात कर रहे थे, हम लोग बातचीत के बारे में आप बताने वाले थे कि ये कब बनाया गया, इसको कैसे ये कैसे प्रकाश में आया। सन 50 में 1950 ईसा है, भारत की आज़ादी के बाद तुरंत जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया सरदार पटेल जैसे राष्ट्रवादी जो है वो गृह मंत्री थे हमारे, सौभाग्य से उन्होंने अपना इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की संस्कृति को जो डूब रही थी उसको सजोने का प्रयास किया और सोमनाथ मंदिर का निर्माण पुनः कराया। ऐसे ही पूरे देश में एक आज़ादी के साथ मंदिर का निर्माण सरदार पटेल ने कराया, सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो आज़ादी के बाद एक विशेष लोगों के हृदय में जो पीड़ा थी उसको नष्ट करके उसके ऊपर जो आज हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितने इस प्रकार के प्रयास हुए उसको ऊपर अपना उन्होंने लोगों ने अपना आज उसकी आज़ादी के लिए प्रयास शुरू कर दिया। उसी के उसमें क्रम में एक यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों ने एक विशेष आंदोलन किया राजभर के लिए, नहीं राजभर के लिए, राजभर के लिए। देखिए राजभर आपने शब्द कहा, फिर बता दे रहे हैं कि राजभर माने क्या है। राजभर माने हिंदू समाज का एक कोई अंग, और राजभर पासी ऐसे कहते हैं कि ये सब जो है वो वीर ठाकुर जातियाँ थी, राजभर ठाकुर जातियाँ, ये सब ठाकुर जातियाँ थी, ये क्षत्रिय थे और वीर जाति थे। आज भी पासी जितना वीर को नहीं होता है, तो ये इनको तो परास्त कर दिया गया और मुस्लिम काल में जो शासन हुए तो इनको अछूत घोषित किया। कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़े वीर हैं, तो गांव में इस प्रकार की उद्घोषणा हुई कि अगर इनको कोई टच करेगा, छुएगा या इनसे कोई संबंध रखेगा तो उसको शासन की ओर से दंड मिलेगा। अच्छा सर, हाँ ठीक है, वो बातें हो गई, लेकिन हम लोग फिर से इस पे लौट के आते हैं, इस स्मारक पे लौट के आते हैं। दरगाह पे हमको लोग बता रहे थे कि दरगाह पास में है, दरगाह पे जब जाने के पहले इस कुंड में, इस झील में जिसको आप टेढ़ी नदी भी कहते हैं, उसको झील भी है ये, यहाँ पे हाँ झील ही है, झील ही है, टेढ़ी नदी भी कहते हैं शायद आप बता रहे थे, टेढ़ी नदी बाद में पानी ये यहाँ से जौनपुर तक बराबर आया करता है, इसमें इसमें कभी ये सूखती नहीं है, आज तक कभी ये सूखी नहीं, और ये टेढ़ी नदी के नाम से है और झील भी है, पानी हमेशा इसमें रहता है बारो मास। दरगाह में जाने के पहले यहाँ स्नान करते हैं, टेढ़ी नदी का ये उद्गम स्थल है। अच्छा, टेढ़ी नदी जौनपुर तक इस नदी को वहाँ पर जाके घगरे में मिल गई है। अच्छा जी। हाँ, ये नदी यहाँ से, यहाँ झील है ना, लेकिन यहाँ से उद्गम है, यहाँ से स्रोत है। ये भी कहा जाता है यहाँ पे स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है, यही के स्नान करने से जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको कुष्ठ रोग कम हो जाता है, ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्नान करके लोग दरगाह में जाते हैं, रोग ही नहीं समस्त चर्म रोग, आँख का जाला माड़ा मोतिया बिंद और कैंसर तक ठीक होते देखे गए हैं, सोराइसिस की विशेष दवा है।
कैंसर तक और सोराइसिस तक, सोराइसिस तक यहाँ के स्नान करने से, हमारे स्नान करने से ठीक हो जाए, से जल ग्रहण करने से, जल पीने से भी और स्नान करने से। मतलब कि मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को कैंसर है वो यहाँ पे नित्य स्नान करे तो उसका कैंसर ठीक हो सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसा देखा गया है, ठीक हुआ है। हम नाम आप लोग देखें, अपने नाम बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक विजय नामक व्यक्ति था, आया था बिहार से, पटना मेडिकल कॉलेज से दवा करने के बाद वहाँ से जवाब दे दिया गया कि कैंसर ठीक नहीं होगा। वो आके यहाँ महाराज सुहेलदेव जी की सेवा किया और यहाँ रोज बाहर होता था, झाड़ू लगाता था, साफ रखता था और यहाँ का स्नान करता था, यहीं भोजन करता था, इसी जल में बना हुआ भोजन करता था। और वो कैंसर हम लोगों ने देखा कि उसके खून की उल्टी आती थी, और जब वो यहाँ से गया है पूर्णतया स्वस्थ होके गया है, मस्त होके गया है। अच्छा जी, ये बताइएगा, और दूसरा एक और बता देना उदाहरण कि एक नंबरदार करके ठाकुर साहब हैं बांदा के, तो वो आए थे हमारे मेले में, तो उन्होंने जो है वो यहाँ जल पिया और भोजन किया यहीं के जल से, सब कुछ बनाकर। तो जब वो यहाँ जाने लगे एक हफ्ते बाद, तो देखा उन्होंने कि उनका सोराइसिस ठीक हो रहा है, तो लोगों से चर्चा किया उन्होंने कि भाई ये तो हमारा ठीक हो रहा है, तो लोगों ने कहा फिर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, यहाँ रुक के इसको इलाज करो, अगर ये जल तुम्हारे लिए लाभकर है तो यहाँ इलाज करो। तो वो घर तो चले गए, इसके बाद 15 दिन बाद वो पुनः आए सब पूरे सामान को लेकर और यहाँ रहने के लिए। वो 2 महीना यहाँ रहे और 2 महीने में उनकी सोराइसिस पूरी तरीके से ठीक हो गई, तब वो यहाँ से, आज भी वो बांदा में उनका पेट्रोल पंप चलता है, बांदा में पेट्रोल पंप चलता है, उनका सोराइसिस ठीक करवा के पेट्रोल पंप चलवा रहे हैं। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं, एक सी मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहराइच में राजा सुहेल देव को मानने वाले इतने लोग क्यों हैं, राजा सुहेल देव को इतना माना क्यों जाता है? शहर के अंदर भी एक स्मारक है जहाँ पे हम कल गए थे, उस स्मारक में लोग बता रहे हैं किसी घर में शादी होती है तो सबसे पहले वहाँ पे दर्शन करवाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, उसके बाद कहीं जाते हैं। यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मानने वाले हैं, क्यों माना जाता है इस धरती पर इतना ज़्यादा सुहेल देव को? हाँ, माना इसलिए जाता है कि अगर आज सुहेल देव न होते, महाराज सुहेल देव का ही परिणाम है कि हम लोग आज हिंदू जाति में हैं, वरना उस समय हिंदू जाति समाप्त कर दी जाती। जो मसूद नामक आक्रमणकारी आया था, उसने हिंदू धर्म समाप्त करने के लिए बहुत कोशिश की, इतना बलात्कार किया, तो मंदिर तोड़ा, हिंदुओं का नष्ट कर दिया, इतने लाशें बिछा दी, जो हिंदू नहीं बना उसको लाशें बिछा दी और जो बन गया उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार वो सारे लोगों को या तो मुसलमान बना देता और या कतल कर देता। तो हम आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं सुहेल देव के बारे में, यहाँ पे आते हैं कि कहीं बाहर से आए हुए हैं आप लोग? सुहेल देव के बारे में, इस मंदिर के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ? हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? गोंडा जिला। गोंडा से आए हैं जी, क्या करने गोंडा से आप लोग? हम लोग यहाँ, क्या नाम है आपका? करते थे हमारे यहाँ अभी बहुत से ठाकुर को मतलब मुसलमान बना दिए हैं। कहाँ पे रहने वाली हैं आप? हम हैं गोंडा के रहने वाले। क्या नाम है आपका? रेनू सिंह। हाँ जी, बताइए क्या कह रही हैं? हमारे यहाँ के मायके में सब लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ जो ठाकुर थे उनको मुसलमान जो है अपना जात में बना लिए हैं। अपना क्या करवा लिए? मुसलमान बना लिए, धर्म परिवर्तन करा दिया। मतलब कब की बात कर रही हैं? अरे हम मतलब बहुत छोटे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अभी हम बहुत जल्दी से आने लगे हैं। यहाँ पे आप लोग क्या, यहाँ पे आप लोग क्या करने आ रही हैं? हम लोग को तकलीफ है इसलिए हम लोग आते हैं। तकलीफ है? क्या तकलीफ है? हमारे पति का जो दिमाग खराब हो गया था, यहाँ से उनको मतलब रिलीफ हुआ है। यहाँ पे नहाने से क्या रिलीफ? उनको मतलब काफी आराम हो गया। यहाँ पे क्या करती है कि इनको अपने पति को आराम मिल रहा है? मतलब यहाँ इनको नहलाते हैं अपने पति को। अच्छा, पति को नहलाती हैं। लाभ यहीं से होता है कहते लोग, वहाँ से आर्डर होता है, वहाँ से लाभ नहीं होता, लाभ यहीं से होता है। नहा के तब आइए, जितना लाभ होता है लोगों को वो यहीं से लाभ होता है। क्या क्या वहाँ से आर्डर होता है? वहाँ से आर्डर। क्या नाम है आपका? गीता सोनी। गीता सोनी, हाँ जी, क्या आपको क्या दिक्कत है कि यहाँ आई है? मतलब हमारे सबका व्यवस्था है, शैतान उतान पकड़ लेते हैं ऐसे, ऐसा कहा जाता है। अच्छा जी, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे स्नान करके दर्शन करती हैं वहाँ पे दरगाह में। अच्छा, ऐसी दरगाह है जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं? नहीं, तो हम लोग बताया उसका इतिहास है, इसलिए हिंदू जाता है। और आपको अभी बता रहे थे हम दूसरी बात, स्कंद पुराण में झील का वर्णन है कि जब विद्युत नामक राक्षस जो सेनापति था राक्षसों का, वो जब मर गया तो उसके बारे में राक्षसों को चिंता हुई, तो यहाँ पर जो है वो शुक्राचार्य जी ने जल शोधित किया और इस जल को अमृत कुंड बनाया। इसमें उस विद्युत राक्षस को स्नान कराया गया और स्नान करने के बाद वो जीवित हो गया। अच्छा, इसलिए इसका उसी समय से महत्व स्कंद पुराण में इसका समंगा झील के नाम से वर्णन है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इसलिए दर्शन करने आते हैं? आप लोग घर वालों को दिक्कत है दरगाह में, इसीलिए आते हैं नहाने यहाँ पे इसीलिए? हमारे पति पागल थे लेकिन काफी अच्छा, हम लोग अच्छे हो गए यहीं से अब। अच्छा, हाँ। कितनी बार आती हैं आप यहाँ पे?
मतलब जब भी हफ्ते में भी आ जाते हैं, 15 दिन भी आते हैं जब मतलब टाइम मिले। एक सेकंड यहां से ठीक हो गए? एक सेकंड, महीने में एक दो बार आती हैं? हाँ, दो बार तीन बार चार भी हो सकता है, दो तीन चार बार आती हैं। आपको आराम दिख रहा है? आराम है पूरा पूरा। उनका क्या नाम? पूरा हमारे पति का, राजेश कुमार सिंह। ठीक हो गए आप जी? ठीक है। मैं तो दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, क्या नाम है आपका? इसरावती जी। दिल्ली से क्या यहाँ पे क्यों आई हैं बहराइच इतना दूर? लड़का, क्या हुआ लड़के को? लड़के के दिमाग की टेंशन, दिमाग में दिक्कत है कुछ आपको लगता है? लगता नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? श्याम बाबू गुप्ता। श्याम बाबू गुप्ता जी, क्यों आते हैं श्याम बाबू आप दिल्ली से यहाँ, बताइए। मेरा मतलब खुजली उजली होती है तो उसके लिए यहाँ पर आता हूँ, हौज में आता हूँ, ठीक हो जाती है। अच्छा जी, 12वां पढ़ के 1 साल बीए करा है और बस इसके मतलब अब 2 महीना से तो इतना बोल ले रहा है, नहीं तो ना खाता था ना बोलता था। दिल्ली में बहुत इलाज करवाए, दवा दारू भी की? हाँ, दवा बहुत करवाए, लेकिन इसकी दवा कराते इसकी खुराक ही बंद हो गई। अच्छा जी, एकदम मतलब अपने आप को खो बैठा एकदम से। फिर मैं दरगाह आए गाजी सरकार के यहाँ, वहाँ से फिर हमें यहाँ भेजा गया, अब यहाँ पर 2 महीना हो गया है। अब आप लोग भी इसी वजह से आए हैं बाहर से दूर से? हम लोग यहाँ टहलने आया करते हैं। आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, यहाँ टहलने आए हैं आप, देखने क्या है यहाँ की, जो सर बता रहे थे ये सब आप पता है आपको इतना? जी, हमारे बाबा बाबा कभी बताया करते थे कि जो राजा यहाँ पे वो जो बताया नहीं अभी मकजूद, तो वो जब हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगा तो उसका चोटी काट कर मुसलमान बना देते थे। आज भी वो परंपरा के गत वो बांस में बांध करके जो हिंदुओं का चोटी होता था उसी के तरीके से ला कर आते हैं। हमारे बाबा बाबा बताते थे तब ये महाराजा सुहेल देव ही लड़ करके उनको परास्त किया, ये आपको बताते हैं जी। अच्छा जी, कहाँ का गांव है आपका? जी, हमारा गांव यही विदेशी पूर्वा में है। विदेशी पूर्वा में, बहराइच में ही लगता है? जी, बहराइच में ही है, बहुत पास में, यहाँ से 8 किलोमीटर होगा। अमीनपुर नगरौर। आप भी इसी वजह से आते हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, आपको भी कहानी पता है ये सब कहानी? जी बस यही, हम दोनों लोग एक साथ में ही आए हैं। एक साथ में, मतलब कि बहराइच के, क्या बहराइच के आसपास के बाहर के भी इलाकों में कहानी पूरी फेमस है, ये पूरे दूर दूर तक लोगों को पता है इस बारे में? लोग बिहार से आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं। हाँ, बताया लोगों ने, दिल्ली से आई है मैडम, बताते हैं, बहुत बड़ी टीम आती है कलकत्ते से। स्नान करने से, यहाँ के झील के जल पीने से जितनी भी बीमारियाँ हैं लोगों को बीमारी ठीक हो जाती है। किसी की अगर किसी के ऊपर जैसे भूत प्रेत कहते हैं साया है, हाँ, वो भी यहाँ से ठीक हो जाती है। लोगों ने बताया लोगों ने। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी सुहेल देव राजभर हैं, सुहेल देव राजभर एक ऐसे, मैंने अगर मैं सही उसको फॉर्मुलेट कर पा रहा हूँ तो हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जो एक ऐसे राजा का मंदिर है, एक राजा का मंदिर है जिसने एक मुस्लिम आक्रमणकारी को, मुगल आक्रमणकारी को उसने परास्त किया था, अगर आपके लहजे में कहें, है ना, इस वजह से राजा का मंदिर है। हालांकि क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों से बाहर के देवताओं का भी पूजा होती है। सर्वनाश किया। अच्छा जी, तो अब ये जानना चाहेंगे, आप पंचवटी के बारे में कुछ बता रहे थे, इस जगह के बारे में बता रहे थे, क्या है वो? हाँ, ये पंचवटी, आप जहाँ खड़े हुए हैं तो पंचवटी की शर्त यह है कि 5 विशेष प्रकार के जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो होने चाहिए। एक गूलर, बरगद, पीपल, पाकड़, आम, ऐसे 5 लगा दिया जाए तो पंचवटी कहलाते। 5 वृक्ष जहाँ एक साथ होते हैं, प्रकार के ये अगर पेड़ लगाए जाते हैं तो वो पंचवटी कहलाती है। आपको दिखाई देता है, ये गूलर है, लगाइए गूलर। ये इसके बगल में देखिए बरगद, इसके बाद में पीपल है, वो देखिए पीपल, उसके बगल में आम है, वो सीधा खड़ा हुआ है, और इसके बाद ये पाकड़ है। अच्छा जी, गूलर, बरगद, पीपल। सुहेल देव की, सुहेल का नाम अपना राजनीति में क्यों आता है? आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपना नाम आपका पूछना भूल गया मैं। हमारा हरिश्चंद गुप्ता नाम है। हाँ जी, और भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष हैं। हाँ जी, सुहेल देव का नाम पंचायत सदस्य भी है। जी, जिला पंचायत सदस्य भी है आप। सुहेल देव का नाम राजनीति से इतना क्यों जुड़ने लगा है? नहीं, सुहेल देव का नाम राजनीति से लोग जोड़ते हैं, लेकिन सुहेल देव सभी के हैं, पूरे हिंदू जनमानस के हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए पूरी लड़ाई लड़के। वो आपकी बात समझ गया, वो बात तो हो रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुहेल देव का नाम अब राजनीति से क्यों जुड़ रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, ऐसा है कि हम लोग यहाँ 50 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में काम हो रहा है। कोई भी व्यक्ति तब नाम लेने वाला नहीं था राजभर वाला, कि क्या है राजभर है, पास ये क्या है। आज महाराज सुहेल देव का नाम लोग जानने लगे हैं, इस कारण लोग उसका लाभ उठाने के लिए राजभर कहने के लिए ये कुछ दिन से लोग अपना उच्चेतना में आए हैं। इससे पहले ना इनको यहाँ से महाराज सुहेल देव से मतलब था,
और न इस धरती से मतलब था। सर भारतीय जनता पार्टी अब लाभ उठाने के लिए ये लोग आ रहे हैं और इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भाजपा वो लोग महाराज सुहेल देव के लिए करते हैं, अगर करता है भाजपा और भाजपा सुभाषपा एक दो दो तीन ऐसी पार्टियां हैं पूर्वांचल में, इन लोगों ने काफी राजनीति की है राजभरों पर सुहेल देव पर, अब करने लगे हैं कुछ वर्षों से। पासी समाज के लोग हमारे यहाँ मानते हैं कि ये पासी समाज से थे, राजभर समाज कहते हैं कि हमारे समाज से थे। अब ये तो उस समय का ही पता चलेगा, लेकिन वो हम लोग ये मानते हैं कि हिंदू समाज के थे और सर्व समाज के थे, उनका कोई जात का मतलब नहीं है जब उन्होंने पूरे हिंदू समाज के लिए किया है। पासी मानते हैं हमारे, हमारी हमारी जात के थे, राजभर मानते हैं कि उनकी जाति के, इस वजह से राजनीति ज्यादा। पासी समाज के लोग कि महाराजा सुहेल देव पासी समाज के राजा। अंचल में बढ़ते जाइए तो राजभर जब आते हैं, राजभर आते हैं तो राजभर कह रहे हैं कि हमारे राजभर समुदाय के थे, इस वजह से राजनीति। ये तो अच्छी बात है कि राजभर माने पासी माने, लेकिन एक जैसे भगवान राम है वो क्षत्रिय है, तो केवल क्षत्रिय उनको अपने कैंपस में बांध कर रखें ये तो अच्छा नहीं हुआ, समाज के लिए घातक है। आपको ऐसा लगता है? हम नहीं आते, हम इनको महापुरुष मानकर इनकी पूजा करते हैं और इनको इनका नाम यशगान करते हैं कि ये हमारे लिए महापुरुष थे और इसको हम लोग करते हैं, हम वैश्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमारी समूह में सब बहुत क्षत्रिय हैं, बहुत से ब्राह्मण हैं, बहुत से राजभर भी हैं, लेकिन इसके मतलब ये थोड़ी कि किसी जातियों में कोई महापुरुष लेकिन ठीक है। मैं समझ गया सर आपकी बात, उनके साथ जो है वो अपराध है। नहीं नहीं मैं समझ गया, लेकिन मैं मेरा सवाल यही था कि इसमें राजनीति इसलिए हो रही है कि पासी इनको अपना मानते हैं और आगे जाइए तो राजभर इनको अपना मानते हैं और इस वजह से सुभाषपा जैसी पार्टी है वो राजनीति कर रही है, भाजपा है, भाजपा एक तरह पर पॉलिटिक्स कर रही है राजभरों पर, ठीक है। हाँ अच्छा, आपका कहने मतलब गद्दारी करते हैं। तो ये है चित्तौरा से हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट सुहेल देव पर। सुहेल देव की राजनीति बड़ी रिच राजनीति है, पूर्वांचल में बढ़ते जाइए तो ओबीसी की पॉलिटिक्स में, शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स से चलते चलते ओबीसी की पॉलिटिक्स तक में सुहेल देव चले जाते हैं। सुभाषपा नाम की पार्टी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है और बीजेपी भी पुश कर रही है। महाराजा सुहेल देव सेवा समिति ने कराया है। हाँ हाँ, आपने बताया इस बात को कि आई नो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जिसने किया वो सुहेल देव समिति ने किया, सेवा समिति ने किया, ठीक है सर। और ये बातचीत आपको कैसी लग रही है, ये आपको बातचीत कैसी लगी आप हमें बताइएगा। कैमरे के पीछे विभव हैं जो इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लल्लनटॉप का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।